A very good morning once again to all my dear students. Today we will see the topic future tense. Students, future tense का मतलब होता है भविष्यकाल, जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं. That is referred to as future tense. Let us see time and tide wait for none or no man. So a period of time following the moment of speaking or writing is called as future tense. समय और ज्वारभाटा किसी का इंतजार नहीं करता है. तो इस तरह के टाइम को जो कि फ्यूचर में होने वाले हों हमें पता होता नहीं है, एंड उसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है फ्यूचर टेंस. फॉर एग्जांपल, सी विल राइट अ लेटर, वह पत्र लिखेगी. मे बी लिखेगी, नहीं लिखेगी, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है. लेट अस सी अबाउट द फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस में चार काइंड्स होते हैं, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल फ्यूचर किसको कहते हैं, एंड उसके बारे में बताऊंगा आपको डिटेल में. दिस टेंस टेल्स अस अबाउट एन एक्शन विच हैज नॉट इट अकर्ड एंड विल अकर आफ्टर सेइंग और इन फ्यूचर. यह टेंस उस एक्शन के बारे में बताता है जो कि अभी हुआ नहीं है और होगा, पास्ट में होगा, सॉरी फ्यूचर में होगा. एग्जाम्पल देखेंगे, पहले रूल देख लेते हैं. इसमें शैल विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. इन फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब शैल इज यूज्ड विद आई एंड विल. हेल्पिंग वर्ब विल इज यूज्ड विद ऑल अदर सब्जेक्ट्स लाइक यू, ही, सी, इट, दे. व्हेन यू आर टू मेक अ कमिटमेंट और वांट समवन और एम्फेसाइज समथिंग, यूज ऑफ विल शैल इज रिवर्स्ड. यानी कि जब कमिटमेंट होता है, जब किसी चीज को एम्फेसाइज करते हैं, उसमें हम विल का यूज करते हैं, जिसमें हम नॉर्मली सेल का इसमें यूज़ कर रहे हैं. जैसे आई वी में सेल लगाते हैं, लेकिन जब कोई कमिटमेंट होता है या एम्फेसाइज करते हैं तो हम लोग आई विल, वी विल लिखते हैं. ठीक उसी प्रकार से जैसे बाकी में हम लोग विल यूज़ करते हैं, तो जब वो कमिटमेंट करते हैं तो यू सेल, दे सेल, वहाँ ऐसे यूज़ करते हैं. विल इज़ यूज विथ आई एंड वी एंड सेल इज़ यूज विथ अदर्स. सेंटेंस में देखेंगे तो डिल मोर क्लियर. इन जनरल स्पीकिंग There is hardly any difference between shall and will, and only will is used with all. अगर जनरली देखें तो shall और will में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है स्टूडेंट्स, ज़्यादातर will का ही यूज़ करते हैं. Now let us use this rule in various forms of sentences. पहला है affirmative sentence, simple future की बात कर रहे हैं. Structure is subject plus will shall plus verb first form plus object. For example, she will write a letter. वह पत्र लिखेगी. Negative sentence will be subject plus will shall plus not plus verb first form plus object. Example is she will not write a letter. वह पत्र नहीं लिखेगी. Interrogative is will shall followed by subject plus verb first form plus object and then question mark will she write a letter. So this is the interrogative sentence, dear students. Now let us come to interrogative negative. Will shall सबसे पहले followed by subject plus not plus verb first form plus object. Will she not write a letter? I hope students, simple future tense आपको easily समझ में आ गए होंगे. Now let us come to future continuous tense. It is used to express an ongoing or continued action in future. यह उस action के बारे में बताता है जो कि future में चल रहा होता है ना, ongoing या continued action in future. For example, he will be distributing sweets in temple tomorrow at 12 o'clock. वह कल 12 बजे मंदिर में मिठाइयाँ बांट रहा होगा. सो दैट विल बी ही विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग. ओके, इन द एग्जाम्पल द एक्शन विल स्टार्ट इन फ्यूचर, दैट इज टुमोरो, एंड एक्शन इज थॉट टू बी कंटिन्यू टिल सम टाइम्स इन फ्यूचर. राइट, वी यूज द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट समथिंग दैट विल इन प्रोग्रेस एट और अराउंड टाइम इन द फ्यूचर. लेट अस सी रूल इसका देखते हैं क्या होता है. विल शैल फॉलोड बाई बी प्लस वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ऐसे यूज करते हैं इसको. एग्जाम्पल देखेंगे, इट विल बिकम मोर क्लियर. लेट अस सी, लेट अस यूज दिस रूल इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस. अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल इज सी विल बी राइटिंग अ लेटर. निगेटिव में देखते हैं बच्चों, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. लेट अस सी एग्जाम्पल, सी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर. आई होप सब कुछ आपको क्लियर हो रहा होगा. Now let us see third one, interrogative, which is will shall plus subject plus be plus verb first form plus ing plus object. Right? Let us see the example. Will she writing a letter?
ओके स्टूडेंट्स, नाउ द फोर्थ वन, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। विल सेल के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, देन नॉट लगाते हैं, फॉलोड बाय बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एग्जाम्पल इज विल सी नॉट बी राइटिंग अ लेटर। नाउ फ्यूचर टेंस का तीसरा काइंड जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, लेटर सी। इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल हैपन और अकर इन फ्यूचर एंड विल बी कम्प्लीटेड बाई अ सर्टन टाइम इन फ्यूचर। यह उस एक्शन के बारे में बताता है जो कि विच विल हैपन, जो कि फ्यूचर में होगा, एंड विल बी कम्प्लीटेड, और कम्प्लीट हो जाएगा बाई अ सर्टन टाइम इन फ्यूचर, और फ्यूचर में ही ये कम्प्लीट हो जाएगा कुछ समय बाद। वी यूज द परफेक्ट टेंस टू से दैट समथिंग विल बी फिनिश बाई ए पार्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। लेट अस एग्जाम्पल देखते हैं तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। दे विल हैव शिफ्टेड द हाउस बाई संडे मॉर्निंग। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, विल सर के बाद हैव का यूज करते हैं एंड फॉलोड बाई वर्ब थर्ड फॉर्म। चूंकि परफेक्ट है तो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, इन तीनों में हम लोग वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। नाउ लेट अस यूज दिस रूल इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेज। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इज सी विल हैव रिटन अ लेटर। निगेटिव में देखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में सी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। इन इंट्रोगेटिव विल सेल को आगे कर लेंगे फॉलोड बाई सब्जेक्ट हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल सी हैव रिटन अ लेटर। इंट्रोगेटिव निगेटिव में देखते हैं विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल सी नॉट हैव रिटन अ लेटर। एक चीज़ यहाँ पे नोट करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, अ पॉइंट टू बी नोटेड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमेशा हम लोग हैव का यूज़ करते हैं, यहाँ हैज़ कहीं लगाया नहीं जाता है, चाहे वो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में हो या फर्स्ट पर्सन में हो या सेकंड पर्सन में हो या किसी में हो। इज इट ओके स्टूडेंट्स? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं फ्यूचर टेंस का जो लास्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल कमेंस एट ए फिक्स टाइम इन फ्यूचर। या उस एक्शन के बारे में बताता है जो कि फ्यूचर में फिक्स टाइम में कमेंस होगा, यानी कि शुरू होगा, एंड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम फ्यूचर, और फ्यूचर में ही कुछ देर तक कंटिन्यू रहेगा। इफ देर इज नो टाइम रेफरेंस देन इट इज नॉट ए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। नोट कर लीजिए कि इसमें टाइम रेफरेंस रहना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं होगा। विदाउट कंटिन्यू टाइम रेफरेंस सच सेंटेंसेस आर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंसेस। अगर उसमें कोई टाइम रेफरेंस नहीं होगा, फिक्स टाइम रेफरेंस नहीं होगा, तो वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की तरह यूज किया जाएगा। कंटिन्यू टाइम रेफरेंस ओनली डिफरेंशिएट्स बिटवीन फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर कंटिन्यू टाइम रेफरेंस दिया गया है तभी वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, अगर नहीं तो वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। आइए एग्जांपल देखते हैं। द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव से एम्फसाइज द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी दैट विल बी इन प्रोग्रेस बिफोर अनदर टाइम और इवेंट इन द फ्यूचर। जो फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव है वो एम्फसाइज करता है ड्यूरेशन के बारे में, जो एक्टिविटी हो रही है उसके ड्यूरेशन के बारे में, जो कि प्रोग्रेस में होगा बिफोर अनदर टाइम और एन इवेंट इन द फ्यूचर। दिस टाइम एग्जाम्पल देखते हैं, दिस टाइम टुमारो आई विल बी एंजॉइंग द क्रिकेट मैच इन द स्टेडियम, है ना। इट इज़ ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट प्लान एक्शंस और एक्शंस एक्सपेक्टेड टू हैपन। यह उस एक्शन के बारे में बताता है जो कि ऑलरेडी प्लान्ड है, या ऐसा एक्शन जो कि एक्सपेक्टेड टू हैपन है। दे विल बी स्टेइंग फॉर अ वीक। सो ऑल दीज आर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एंड प्रोग्रेसिव। द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव एम्फसाइज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी दैट विल बी इन द प्रोग्रेस बिफोर अनदर टाइम और इवेंट इन द फ्यूचर। रूल देखते हैं, विल सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। लेट अस यूज दिस रूल इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेज। अफर्मेटिव सेंटेंसेज, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, सी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। नहीं, नेगेटिव में विल सेल के बाद नॉट लगा लेंगे, उसके बाद हैव बीन फॉलोड बाई वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। सी विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर। इंट्रोगेटिव में विल सेल को पहले कर लेंगे फॉलोड बाई सब्जेक्ट। तो विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, विल सी हैव बीन राइटिंग अ लेटर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। विल सी नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर। इन दिस वे स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी एंड आपने सीखा भी है। फ्यूचर टेंस को मैंने बड़े ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एंड व्हेन यू गो थ्रू दिस वीडियो तो आपको पूरा फ्यूचर टेंस आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।